अच्छा जी साहब, आप पे एक आध बार फायरिंग भी हुई, उस वाक्य के पीछे कौन लोग थे? फायरिंग हुई थी, ये नहीं मुझे पता। कोई आउटडोर में हम जब जाते हैं तो जेलसी लड़कियां भी होती हैं, ठीक है, वो अपने जाने वाले से कह देते हैं कि यार ये यहीं पे टिकी हुई है। जैसे कि फैसलाबाद में मेरा रिकॉर्ड हो गया था कि 1.5 साल मैंने वहीं पर स्टैंड लिया था और शो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे दिए। मैंने थोड़ी सी पेमेंट में काम स्टार्ट किया, वहीं पे अब मैं ज़्यादा पेमेंट ले रही हूँ क्योंकि वहाँ के लोग मुझे प्यार करना शुरू हो गए और जिस थिएटर में मैं होती थी दूसरा थिएटर खाली हो जाता था। इस वजह से 19-20 हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। जब भी मैं काम पर जाती हूँ अपनी अम्मी को फ़ोन करती हूँ और जब माँ की दुआ हो ना पीछे तो कुछ भी नहीं होता। मेरी अम्मी ने एक बात कही थी किसी शख्स से ना कि तू गोली मारने तो मार, एन छुएगी भी नहीं। और वैसे ही वैसे हुआ कि 12 फायर मेरी गाड़ी को लगे, मैं गाड़ी के अंदर थी और मुझे इतना से भी इतना इंच भी गोली नहीं लगी। इनर पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।